नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ दौरे पर हैं और उनका ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है, जहां वो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके लिए बैठकों का दौर भी चल रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि कौन बनेगा यूपी में प्रोटेम स्पीकर, महाशपथ की महातैयारी में बीजेपी, आईएमए और साधु संतों को आमंत्रण, कार्यकर्ताओं को 12 सूत्री दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के लिए गृह मंत्री अमित शाह, पर्यवेक्षक और बीजेपी उपाध्यक्ष रघुवर दास सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अमित शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में 24 मार्च को शाम 4 बजे लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में डिप्टी सीएम को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है। इसके बाद 25 मार्च को लखनऊ में शहीद पथ पर स्थित इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी ने सभी विधायकों को 23 मार्च को लखनऊ बुलाया। 24 मार्च से राजधानी में शपथ ग्रहण समारोह के लिए कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला जारी हो जाएगा। कार्यकर्ताओं को 12 सूत्री दिशा निर्देश। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने इस बार शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को बकायदा 12 सूत्री दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन कार्यकर्ता पूरे राज्य में पूजा पाठ करें। समारोह में आने वाले कार्यकर्ताओं से अपनी गाड़ियों में पार्टी का झंडा लगाकर आने को कहा गया है। आईएमए और साधु संतों को आमंत्रण। शपथ ग्रहण के लिए 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री सहित कई वीआईपी को न्योता भेजा गया है। बीजेपी संगठन ने देश के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्रियों को बुलावा भेजा है। यूपी के बड़े उद्योगपतियों और आईएमए को शपथ ग्रहण का बुलावा दिया गया है। नाथ संप्रदाय समेत सभी बड़े मठों के साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। बाबा रामदेव मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार समेत देश के कई राज्यों से जुड़े संतों को भी निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि शपथ ग्रहण को लेकर एयरपोर्ट से इकाना और बीजेपी कार्यालय तक विशेष रूट पर सजावट होगी। लखनऊ में 130 चौराहे सजाए जाएंगे। यूपी में चुनावी अभियान में लगे 2500 प्रवासी कार्यकर्ता भी बुलाए गए हैं। कौन बनेगा यूपी में प्रोटेम स्पीकर? बीजेपी और सपा के 17 वरिष्ठ विधायकों के नाम राजभवन भेजे गए। यूपी के नव निर्वाचित विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर पद को लेकर चल रही कवायद के बीच 17 वरिष्ठ विधायकों के नाम विधानसभा सचिवालय की तरफ से राज्यपाल को भेजे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठता क्रम में भाजपा के सुरेश खन्ना, रामपाल वर्मा,
सपा के दुर्गा प्रसाद और अवधेश प्रसाद के नाम शामिल हैं। इसमें से राज्यपाल जिनके नाम पर सहमति जताएंगे वही यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, यानी अंतिम फैसला राज्यपाल ही करेंगे। प्राइम टीवी के लिए शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट। सैतीस साल बाद बीजेपी ने इतिहास रचा है तो इसका भव्य होना भी लाजमी है। महाशपथ की महातैयारी तो पूरी हो चुकी है। भव्य समारोह में बीजेपी के कई दिग्गज जुटने वाले हैं। शपथ ग्रहण और देश दुनिया की ऐसी ही खबरें हम आपको बताते रहेंगे। हर अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।